हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सीधे लिए चलते हैं हम आपको हनुमानगढ़ी, जहां पर निशान की पूजा हो रही है। किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले निशान पूजा हो रहा है। एक तरफ वहां पूजन हो रहा है राम जन्मभूमि परिसर में, और एक हनुमानगढ़ी मंदिर में भी। राजू दास जी, एक बात बताइए, ये जो पूजा हो रही है ये क्या है? ये निशान का पूजा है, और ये शुभ कार्य के लिए प्राचीन है, 1700 वर्ष पुराना निशान है, और धार्मिक प्रयोजन में, धार्मिक कार्य में पहले निशान का पूजन होता है। इसके नाते भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु निशान पूजन यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या निशान वहाँ राम जन्मभूमि परिसर में जाएगा? नहीं, राम जन्मभूमि परिसर में निशान जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए निशान राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जाएगा। इसका क्या विशेष महत्व है? धार्मिक विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, निर्वाणी अखाड़े के परंपरा में, कि विशेष कार्य के लिए हनुमान जी के विजय प्रतीक निशान होता है, पहले पूजन होता है, उसके बाद कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। हनुमानगढ़ी का मंदिर है, निशान पूजा हो रहा है, और आपको बताओ विश्व हिंदू परिषद में जो दिनेश जी है वो भी यहाँ आए हुए हैं, जिनको बाद में राम जन्म भूमि ट्रस्ट का विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया। आप घड़ी घंट और इस तरीके से जय श्री राम के नारे और आवाज सुन रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार उस तरफ ले चलता हूँ जहाँ ये पूजा पाठ हो रहा है। अभी भी देखिए भगवान राम के निशान हैं, और वहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ी में जो साधु संत हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो सब पूजा कर रहे हैं। एक तरीके से विधि विधान और अनुष्ठान शुरू हो गया है राम भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए पूजा पाठ हो रहा है। हनुमानगढ़ी, जो कि हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, वहां पर आज निशान पूजा संपन्न हुआ। तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्य पूजन से पहले ये परंपरा है कि हनुमानगढ़ी में निशान की पूजा की जाती है।